हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। लखनऊ की रेसिपी है। ये चिकन लिया है, 3.5 किलो चिकन है। इसमें नींबू और कलर मैरिनेट किया हुआ है। प्याज लाल हो गई, देखो ये प्याज थी, आधा किलो प्याज थी, इसमें से थोड़ी उठा लिए, तली हुई प्याज निकाल लिए। आधा किलो में 4 प्याज निकाल ली थी। ये चिकन डाल दिया है प्याज में। और ये है मसाला लिया है, चिकन बिरयानी का मसाला है ये। ये जब चावल बॉईल करेंगे ये इसमें डालेंगे, ये मसाला जो अलग रखा हुआ है। चिकन पूरा डाल दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे, प्याज में पूरा मिलाएंगे। बिरयानी हम लोग बनाने जा रहे हैं। चावल हैं, 4 किलो चावल हैं और 3.5 किलो चिकन है ये। मसाला हम लोग पीस रहे हैं, बिरयानी का मसाला है, इसको भी पीस ले रहे हैं। जो बताया था आपको पूरा पीस गया मसाला। इसमें अदरक लहसुन भी मिलाया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम लोग ने अपने हिसाब से मसाला पीसा है। ये हमारा चिकन हुआ नहीं है, इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए पूरा मसाला जो पीसा था सब डाल दिया इसमें। तो अच्छे से मिला देंगे पूरा। ये कलर मसाला पूरा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें इसी लाल मिर्च का पाउडर डाल दे रहे हैं। चार से पांच चम्मच तक डाला है। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसको भी अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। दही डालना है क्या? देखिए कलर अच्छा आ रहा है इसमें। ये दही डालना है, आधा किलो दही है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको भुन जाएगा ये चिकन का मसाला पूरा। ये जब भुन जाएगा तो इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे। अब इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। ये मैंने जो चावल लिए थे 4 किलो, इसको मैंने भिगो के रखे हैं 1 घंटे से। जब तक मेरा चिकन का मसाला भुन रहा है जब तक इसको थोड़ी देर के लिए और भिगो के रखेंगे। ये देखिए हम लोग ने सूट सिलवाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोग को? ये जंपर है, चिकन की जंपर है, कॉटन का कपड़ा है। और ये इसके साथ है शलवार, ये वाइट शलवार है। दो सूट सिलवाए हैं, दो सूट वो बता। ये प्लाजो है और ये इसकी जंपर है। ये जंपर बताओ खोल के, जंपर, ये जंपर खोलो इसको।
ये जंपर सिलवाई है, ये मेरा कुर्ता है, एक ये मिला है। और ये हम लोग को गिफ्ट मिला है, ये हम लोग को गिफ्ट मिला है, चिकन का कुर्ता है ये भी, ये भी मेरा है, ये चिकन का कुर्ता है, इसमें प्लाजो है, ये प्लाजो है, और इसके साथ ये दुपट्टा है। ये हम लोग को गिफ्ट आया है, ये ड्रेस कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला जो ड्रेस है ये मेरी बहन का है, और ये जो ब्लू वाला है ये मेरी मम्मी का है। ये ड्रेस पे दुपट्टा नहीं समझ में आ रहा कौन सा इस पर अच्छा लगेगा। मम्मी तो मेरी ये दुपट्टा लेके आई है, मगर ये अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को। इस पर कॉटन का अच्छा लगेगा या प्लेन बिल्कुल वही कॉटन में, या तो नेट का है दुपट्टा रखा हुआ वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये ड्रेस पे दुपट्टा कौन सा लगाएं, कौन सा अच्छा लगेगा। ये बेड शीट लाए हैं नई है, अब इसमें से कन्फ्यूज़ हो रहे कौन सी बिछाएं, ये वाली बिछाएं कि ये वाली बिछाएं कि ये वाली बिछाएं। तो ये वाली अच्छी लगी तो हम लोग ने ये वाली बिछा दी। हमने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि हमारे घर पे फंक्शन है, लाइटें लगाने वाले आए थे, तो ये वही है, उसी की तैयारी हो रही है हमारे घर में। आज हमारे घर में फंक्शन है तो हमारे घर में उसी की तैयारियां हो रही हैं। ये पानी चढ़ा दिया है, उबलने के लिए रख दिया, और इसमें मसाले डाल दिए हैं। ठीक है, नमक डाल दिया इसमें स्वाद अनुसार। जब ये पानी उबल जाएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए इन लोग तो पहले से बैठ गए यहाँ पे। अभी बिरयानी नहीं मिलेगी आप लोग को, अभी बिरयानी पक रही है। पानी हम लोग का उबल गया है, अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल पूरे डाल दिए हैं इसमें, अब इसको एक करनी रह जाएगी, अब इसको पकाएंगे जब तक थोड़ी सी करनी रह जाएगी, जब इसको उतार देंगे। इधर सैलेड बन रहा है, चावल डाल दिए हमने इसमें, और एक नींबू ऐड किया, और थोड़ा तेल डाला है। चावल अलग अलग रहते हैं, तेल से चावल अलग रहते हैं। तेल डाल दिया, चावल अलग अलग रहते हैं। एक केवड़ा डाला खुशबू के लिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी कनी बाकी है, एक कनी। अब इसको ढक देते हैं जब तक थोड़ा सा बस और रह गया पक जाए एक कनी के लिए। चावल हो गए, ये उसको पसा ले रहे हैं, चावल हो गए उसको पसा लिया, चावल को पसा लिए, और उसमें मैरिनेट कर दे रहे हैं सालन। चावल को उसके ऊपर से डाल दिया,
खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये ऑरेंज कलर लिया, इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाला। और उसमें मिक्स कर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और जो प्याज निकाली थी तल के वो इसमें ऊपर से डाल दी। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा। अब इसको चूल्हे पे रख दिया है दम होने के लिए रख दिया इसको। देखिए मेरी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की बिरयानी है। इसमें मैंने रायता डाला है और सैलेड जो काटे थे वो है। बहुत ही यम्मी बिरयानी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लखनऊ की चिकन बिरयानी बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। ये देखिए, आपको हमने बताया था हमारे घर पे लाइटें कल आया था लगाने वाला, तो ये लाइटें लगी। कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत खूबसूरत लग रहा मेरा घर। आज दुकान पे मेरे पापा खड़े हैं। ये रही हमारे घर में सजावट, जो हमने बताया था आपको हमारे घर में फंक्शन था तो उसी की सजावट थी ये। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारा व्लॉग आप लोग को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।